हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ विशाखा, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी आपकी स्किन को कैसे आप हेल्दी, ग्लोइंग एंड इवन बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो डार्क सर्कल के एरियाज़ होते हैं वो आईज एरिया में होते हैं और माउथ एरिया में होते हैं, जो कि हमारे स्किन टोन से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, थोड़ा अनइवन सा दिखता है। तो आज मैं एक आपको दो मास्क ऐसे शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको आप लगाने के बाद ही आपको तुरंत रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और आप अगर इसे रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन हेल्दी, ग्लोइंग एंड इवन दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको थ्री डेज में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरे वीडियो इतना सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, मैं अभी आपको इसके जो अभी प्रोसेसिंग है मैं बताने के साथ साथ मैं आपको और भी कुछ इसके जो भी गुण है मैं उसको आपको पहले मैं बता देना चाहूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा ये हाईली कंसेंट्रेट आपका एंटी ऑक्सीडेंट फाउंड इन फ्लैक्सीड हेल्प प्रोटेक्ट स्किन एग्नेस्ट फ्री रेडियंस एंड यूवी रेज है। एंड इसमें फ्रेंड्स बहुत अच्छी बात ये है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ इस पर होते हैं, जो कि आपके स्किन के जो भी रेडनेस होते हैं, जो भी इरीटेशंस होते हैं स्किन पे, हमारे जो भी इचिंग के प्रॉब्लम होते हैं वो सॉल्व करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो चलिए मैं इसका जो आगे का प्रोसेसिंग है मैं बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पानी चढ़ा दिया है। मैंने यहाँ पे करीबन एक कप जितना पानी लिया है, मतलब बड़ा कप लेना है, छोटा कप में नहीं। और इसको अच्छे से पानी को बॉईल करना है। पानी बॉईल होने के बाद मैं यहाँ पे फ्लैक्सीड इस पे ऐड करूँगी। मैं यहाँ पे 4 टेबलस्पून ले रही हूँ। दोस्तों, आपको अगर इससे ज़्यादा बनाना है, अगर आप ज़्यादा दिन तक स्टोर करना चाहते हैं तो आप उसके लिए ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मैं ये 1 वीक के लिए बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून लिया है। और इसको डालने के बाद दोस्तों आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल भी आपको अकेला नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये नीचे से लग सकता है, क्योंकि ये एक हमें जेल फॉर्म में आ जाएगा। इसे तब तक हमें चलाना है। आप देख सकते हैं मैं इसको चला रही हूँ, और इसको आप लगातार ऐसे ही चलाते रहें जब तक ये एक उबाल ना आ जाए, एक जेल फॉर्म में ना आ जाए। तो हमको जो कंसिस्टेंसी चाहिए दोस्तों, ये जेल फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसे एक कंटेनर में इसे छान लेंगे। एक हमें कॉटन के कपड़ा चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉटन के हेल्प से इसके जो जेल फॉर्म है हमें वो चाहिए। तो अभी पहले तो मैं उसको छान लूँगी। ध्यान में रखें ये गर्म होते टाइम ही छाने, नहीं तो ये बाद में ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो हो सकता है आप ये जेल को ना निकाल पाए। तो आप देख सकते हैं फिर भी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, आप देख लीजिए। मैं गर्म होते टाइम ही निकाली हूँ, फिर भी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। अभी इसको मैं थोड़े से ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। उसके बाद में एक आप चाहे तो एक कंटेनर में आप स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक कंटेनर में स्टोर करके रखूँगी, क्योंकि मैंने इसको 7 डेज के लिए बनाया है। आप इसको हफ्ते भर लगा सकते हैं, और दिन में आप इसे 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा जो पैक है वो रेडी हो गया है, और बिल्कुल एक ये बहुत अच्छा सेरम जैसा भी काम करता है। तो चलिए इसे मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं आपको अपने फेस में अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल अभी ठंडा हो चुका है, तो इसीलिए मैं इसे अभी अपने फेस में अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। और इसे मैं एक सर्कुलर मोशन में पहले आपको मसाज ज़रूर से करना है। मसाज से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। जो कोई भी चीज़ अप्लाई करे उसको ज़रूर से एक मसाज दीजिए, उसके बाद इसको 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए।
दोस्तों आपका फेस जो है कुछ इस तरह से खिंचा हुआ लग सकता है ये फेस मास्क अप्लाई करने के बाद। उसके बाद आप कूल वाटर में इसे वॉश कर लीजिए। मैंने यहाँ पे वॉश कर लिया जी, आप देख सकते हैं एक दफ़ा यूज करने पे ही मेरा फेस में जो ग्लोइंग है वो लाजवाब है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टेप टू की तरफ चलते हैं, कैसे मास्क बनाना है हमें। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे पहले एक आपको खाली कंटेनर चाहिए जिसके साथ मैं यहाँ पे उबटन फेस पैक बनाऊंगी, जो कि उबटन फेस पैक आप सबको ही पता है बहुत अच्छे से वर्क करता है। उबटन फेस पैक आप इसे रेगुलरली भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून बेसन ले रही हूँ, आपको अगर 2 टेबल स्पून चाहिए तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं अपने फेस के हिसाब से मुझे 1 टेबल स्पून ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून जैसा बेसन ले रही हूँ, और ये हम बेसन जो है हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करता है, और ये जो है फ्लॉलेस होता है बहुत ज़्यादा, और ये एक्ने और ब्लेमिशेस और इंक्रीज स्किन टोन के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो और उसके बाद मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल ले रही हूँ, जो कि इसमें हमारे होते हैं विटामिन सी विटामिन ई, और ये हमारे स्किन को नरिशिंग करता है। ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं होता है, जो लोग बोलते हैं कि ये ऑयली होता है तो एलोवेरा जेल जो है सूट नहीं करता है या फिर उनके फेस में ग्रीसी लगता है, जिन्हें ये बिल्कुल भी ग्रीसीनेस नहीं लगेगा, और ये हमारे जो भी एजिंग प्रोसेस जो होता है उसको कम करता है। और उसके साथ इस पे सबसे जो बेस्ट चीज़ है, इस पे बीटा कैरेटिन है, इस जो कि इस पे MMP 1 है, MMP 3 है, MMP 10 है, और ये स्पॉटलेस भी होता है ग्लोइंग स्किन के लिए। तो दोस्तों इसके साथ मैंने यहाँ पे जो हमारे जो मास्क के जो जेल थे उसको भी मिला लिए हैं, और एलोवेरा जेल भी इसमें मैं ऐड कर दूंगी। इसके बाद हमारा फेस पैक जो है वो तैयार हो गया है, उसके बाद मैं अपने फेस पे अप्लाई कर दूंगी। और दोस्तों इसे अप्लाई करने के बाद जब तक ये ड्राई ना हो जाए आपको तब तक रखना है, करीबन आपको इसे 15 से 20 मिनट आपको रखना है। उसके बाद आपको क्लीन वाटर में इसे आराम से क्लीन कर देना है। दोस्तों आप अगर इस मास्क को हफ्ते में 3 बार लगाएंगे तो आपका फेस जो है ना बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगा। प्लीज़ आप ये जो मैं इस चीज़ें बता रही हूँ आप इसको प्लीज़ अप्लाई कीजिए, और आप पे कैसा वर्क करता है वो रिज़ल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड मैं ये गारंटी से बोल सकती हूँ ये 100% वर्क करता है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। तो आप ये ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। आप ये भी ध्यान में रखें, आपके अगर बॉडी में कहीं भी आपके स्पॉट हैं, और बॉडी में ऐसे हर जगह होते हैं जैसे घुटनों में होते हैं और पैरों में और हाथों में भी होते हैं कि वो अनइवन होते हैं, कलर जो होता है वो मैच नहीं करता है, तो आप अपने पूरे होल बॉडी में भी लगा सकते हैं। अपने जो मास्क को है उसको ख़राब मत होने दीजिए, उसको अपने पूरे बॉडी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं अपने पूरे बॉडी में जो है मेरा बचा हुआ फेस पैक जो है मैं उसको अप्लाई कर देती हूँ। दोस्तों हमें स्टेप नंबर 3 के लिए मैं आपको बहुत ही इजी और आसान तरीका बता रही हूँ, जो कि ये जो है आपको बहुत अच्छे से आसान से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो हमारा फ्लैक्सीड का जेल है वो ले लिया है, उसके बाद में यहाँ पे गुड वाइब्स का विटामिन सी विटामिन B3 स्किन ग्लोइंग सेरम ले रही हूँ, जो कि हमारे मैं यहाँ पे शीट मास्क यहाँ पे यूज़ करूँगी। शीट मास्क जो है इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप ही इसके अंदर अपने जो शीट मास्क है उसको यहाँ पे डाल दीजिए। आप देख सकते हैं ये जो शीट मास्क है हमारा तैयार हो गया है, और ये बहुत ही ग्लॉसी होता है, और इसीलिए हमारा जो शीट मास्क है जो है आपको अगर जल्दी जल्दी में कहीं जा रहे हैं तो ये शीट मास्क भी आप ऐसे टैप करके आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि 15 मिनट का काम होता है।
तो मैंने आपको 3 स्टेप्स बता दिए हैं, आपको जो भी इनमें से दोनों अच्छे लगे हैं तो वो दोनों आप कंटिन्यूसली आप फॉलो कर सकते हैं। आप कुछ इस तरह से अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर भी आपका जो भी बचा हुआ जेल होगा आप उसको खराब मत कीजिए, उसको अपने फेस में अपने बॉडी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने पूरे फेस में अच्छे से अप्लाई कर दे रही हूँ। दोस्तों मेरा जो ग्लोइंग फेस है इसे अप्लाई करने के बाद में आप पूछिए मत कि बहुत ज़्यादा है। मेरा फ़ोन थोड़ा ख़राब है इसलिए इसमें जो आपको क्लियरनेस है वो थोड़ा नज़र नहीं आते हैं, इसलिए मैं पिक्चर जो मैं अपना जो है रिजल्ट है मैं इसको बाद में ज़रूर से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप ये मत समझिए वो एडिट किया हुआ है कुछ है, वो रियल कैमरा से ही मैं उठाती हूँ। तो इसीलिए मैं इसका पिक्चर जो है बाद में आपको वीडियो के एंड में शेयर करती हूँ ताकि आपको जो रिजल्ट है वो नेचुरल लगे और आप इसको जान पाए। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कि आपको फेस पैक जो है आपको कैसे बनाना है। मैंने जो आपको पहले जो क्लींजिंग फेस मास्क बताया वो आपको रेगुलर वाइज यूज़ करना है। आप उबटन फेस में मास्क भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप उसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो ठीक है, अगर आप रेगुलर यूज़ नहीं कर पाते हैं आप हफ्ते में 3 बार आपको यूज़ करना है उबटन फेस पैक को। अगर आप ग्लोइंग मास्क यूज़ करते हैं तो फिर आपको रेगुलर वाइज आपको यूज़ करना है। अगर आप बहुत जल्दी में कहीं जा रहे हैं इसीलिए मैंने आपको शीट मास्क भी दिखाया है ताकि आपके जो 15 मिनट का काम होता है शीट मास्क लगा लीजिए एंड आपका फेस जो है एकदम से ग्लो दिखेगा। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और आई होप कि आपके ऊपर भी अच्छे से वर्क करे। एंड हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि सबके फेस एक ही टाइप के नहीं होते हैं, एक बार आपका पैच टेस्ट जरूर करवाना है। पैच टेस्ट जिनको नहीं पता है मैं बता दूँ, पहले आपके फेस को कौन सा इरिटेट करता है, कौन सी स्किन को कोई चीज़ सूट नहीं करता है तो आपको पैच टेस्ट करा के ही उसको अप्लाई करना चाहिए। तो पैच टेस्ट है जो आप इस जगह पे कीजिएगा ताकि इससे पता चलेगा अगर यहाँ पे कुछ रैशेस नहीं होता है, आपका कुछ भी नहीं निकलता है, आपको इचिंग नहीं होता है तो आपकी स्किन को वो चीज़ सूट करेगा। तो आप ये पैच टेस्ट उससे पहले ज़रूर करवाइएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा रहेगा, आपको हेल्पफुल रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।